आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं मेरे साथ विभाग बात। आज विभाग बात में मेरे साथ में है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव साहब। सिंहदेव साहब को बाबा के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, उनका लोकप्रिय नाम है। इस आयु में भी लोग आपको बाबा कहते हैं। ये छोटे से बड़ा वाले बाबा भी हो गए, लेकिन नाम वही चल रहा है। छोटे बच्चे को भी बाबा और सियाने को भी बाबा। अच्छा, जब ये चर्चा चल रही थी देश में कि बाबा मंत्री बन रहे हैं, तो लोग जब आपके फोटो आए तो बड़े असमंजस में थे कि बाबा सोचा कुछ और था, बाबा निकले कुछ और। तो वैसे ही है। जब सरकार बनी आप लोगों की, तो ये माना जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री मटेरियल है वो दो ही लोग हैं, या तो बाबा या भूपेश बघेल साहब, क्योंकि दोनों ऐसी जिम्मेदारियों को देख रहे थे, एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो सामान्य रूप से किसी भी राजनीतिक दल में ये दो नाम प्रमुखता से विचार में रहते हैं। बल्कि और भी नाम थे, ताम्रध्वज साहू जी का भी नाम मुख्यमंत्री जी के लिए भी था, पूर्व हमारे मंत्री रहे आज स्पीकर हैं चरणदास महंत जी, उनका भी नाम मुख्यमंत्री के लिए विचार में था। तो और वरिष्ठ नाम जो रहते हैं वो स्वाभाविक रूप से विचार में रहते हैं। कंपटीशन जैसा नहीं चलता ऐसे में कि ये क्यों बन गए और मैं नहीं बन पाया, ये क्यों बन गए वाली बात तो नहीं। ये जरूर रहता है कि जिन जिन का नाम रहता है, स्वाभाविक है कि अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी मिले तो अच्छा महसूस होता है, एक अच्छे संतोष का भाव होता है। जिस समय सरकार बनी तो ये कहा जा रहा था कि सरकार की जो आर्थिक स्थिति, हमारी हालत है ठीक नहीं है। अब कैसा फील कर रही है सरकार, 10 महीना हो गया? इस पर भी मुझे लगता है कि और जागरूकता की आवश्यकता है। आम लोगों में ये बात चली जाती है कि सरकार कंगाल हो गई। बात क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी सरकार है जब वो बजट बनाती है तो अपने आप उसमें सीमित हो जाती है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे किसी राज्य की हो, चाहे नगरपालिका की हो, निगम की हो, कहीं की भी, घर की बात है, हर इकाई अपने बजट से सीमित होता है। तो उस बजट में पैसा ना आए तो समझिए कि गड़बड़ है। उससे ज्यादा जब काम करने की मंशा होती है, ये जो जुमला राजनीति में आता है कि कंगाल सरकार है हमारी, तो हमको पैसा नहीं था, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। कंगाल कब हो जाएगी? जब आय के स्रोत आपके बंद हो जाएंगे। जिस आधार पे आपने बजट बनाया, आप घर चलाते हैं, मान लीजिए एक आय का स्रोत आपका आपकी सैलरी है, दुकान का किराया है, ये दोनों बंद हो गए तो आपका बजट फेल हो गया। और आपका परिवार या आपकी इकाई कैसे चलती है, इन नियमित आय के स्रोतों के आधार पर चलती है। सरकार का भी वही हाल होता है, मैंने सरल तरीके से बताया। तो आपके जो आमदनी के जरिए हैं, चाहे माइंस एंड मिनरल से हो, चाहे टैक्सेस से हो, चाहे सेंट्रल पूल के टैक्सेस से हो, चाहे GST से हो, चाहे एक्साइज से हो, तो आपके खर्चे का दायरा तो फिक्स्ड हो गया। 42% केंद्र की सरकार अपने कॉमन पूल के जो टैक्स वसूली होती है उससे राज्यों को अब दे रही है, तो 42% तो वो फिक्स हो गया। जब वो 42% नहीं मिलेगा, या आपके जो माइन से आने वाले पैसे हैं, एक्साइज से आने वाले पैसे हैं, GST से आने वाले पैसे हैं, ये नहीं मिलेंगे जिस पे आपने बजट बनाया, तो आप बाबा साहब अभी आप GST काउंसिल की मीटिंग में थे गोवा में, वहाँ भी कुछ नया छत्तीसगढ़ के लिए? जी, वहाँ पहल करने का मौका मिला था। छत्तीसगढ़ में एक मांग कई दिनों से चल रही थी, अन्य राज्यों में भी, कि जो फूटा चना है उस पे वैट लग रहा था। अब खेत के मजदूर, इनको भी हम आम लोग, गरीब लोग, बिल्कुल गरीब सामान्य व्यक्ति, उनसे 5% क्यों लेना? हल्दीराम का चना हो गया, आपने उसको वैल्यू एडिशन करा, उसको ट्रीट किया, उसमें तेल में भुना वगैरह जो भी किया, नमक मिर्च मसाला डाला, पैकेजिंग किया और आपने बेचा, चलिए उस पे टैक्स लगता है तो एक अलग बात है। सामान्य फूटे चने के ऊपर, जो कि सामान्य से सामान्य नागरिक उपयोग में लाता है, उनको टैक्स के दायरे में क्यों लाना? तो वो बात रखने का मौका मिला था और मुझे खुशी है, संतोष है इस बात का कि उस अडॉप्ट किया गया, मान लिया। और राज्यों ने भी, बिहार ने और राज्यों ने भी सपोर्ट किया। इसी तरह से महुआ का फूल, महुआ आदिवासी अंचल में सामान्य उपयोग में आता है, उनके कल्चर का, उनके दिनचर्या का भी एक हिस्सा है, उस पर भी टैक्स वैट की बात आ रही थी, तो उस पर भी हम लोगों ने रखा कि ये नहीं होना चाहिए। गाँव में उपयोग होने वाली ये वस्तु है, इस पर क्यों वैट लगाना? तो 40 लाख तक के व्यवसाय तक उसको वैट से मुक्त कर दिया गया। तो गांव का गांव में जो अपने परंपरागत उपयोग करना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के तमाम हिस्से हैं जो महू फूल, महुआ फूल से उनकी जीविका चल रही है लोगों की, तो वो GST से मुक्त है, मुक्त हो गए।
अब आपके जो मूल विभाग है स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ में आम आदमी तक, सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक, सबसे सुदूर जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ तक इलाज कैसे पहुँचे, ये बड़ा टास्क भी है। बड़ा टास्क है। स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है उसको पिरामिड के रूप में कहते हैं। ये इसका आधार है आज के दिन में आशा वर्कर मितानिन, तो करीब 70,000 मितानिन छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। ये हर 300-350-350 व्यक्तियों के पीछे, परिवार ने व्यक्ति के पीछे एक तैनात हैं। तो यहाँ से प्राथमिक उपचार चालू होता है और वहाँ से जानकारियाँ लेके उनके माध्यम से आगे भेजना, कहीं और कोई बीमारी तो नहीं दिख रही, सर्दी खांसी है लंबी, कहीं टीबी तो नहीं है, जांच कराने चले जाओ, दवाई ले रहे हैं, मलेरिया की गोली हो गई, मलेरिया का जांच हो गया, ये गांव में ही मितानिन कर लेती हैं। मैं भी एक गांव में गया, मैंने कहा देखिए मेरा करके दिखाई, तो उन्होंने बाकायदा ब्लड का सैंपल लिया और मुझे बताया कि आप पॉजिटिव नेगेटिव क्या है मलेरिया का वहीं कर दिया। तो एक पहुँच आम जनों तक 10-12-15-20 दवाइयों के और जाँच के साथ में गाँव में ही 300 व्यक्तियों के पीछे, महिला गर्भवती हैं उनकी स्थिति को देखना, उनकी जांच कराना, उनकी जांच के लिए सब हेल्थ सेंटर तक ले जाना, अगली कड़ी सब हेल्थ सेंटर, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज। तो 6 मेडिकल कॉलेज, 26 अब 27 जिले अस्पताल हो जाएंगे, 730 के आसपास हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 5,300 करीब उप स्वास्थ्य केंद्र, ये ढांचा 170-172 हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है। लोग इससे दूर हैं उस पर हम लोगों ने एक पहल की है, हाट बाजार में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को पहुंचाना। हर सप्ताह बाजार लगते हैं आदिवासी इलाकों में, आदिवासी अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवहार सदियों से चला आ रहा है। तो वहाँ भी स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति के माध्यम से नियमित, मान लीजिए 70-72 प्रकार की दवाइयाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र में मिलती हैं, या उसके आगे की भी अगर डॉक्टर रहते हैं तो उपचार करके आपको दवाई वहीं के वहीं उपलब्ध करा सकते हैं, और आगे आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, पैसा भी खर्चा होगा, समय भी लगेगा। लेकिन बाबा साहब एक चीज़ अभी देखने में आई, जब बारिश भी बहुत थी, बारिश के कारण हालत भी ख़राब हुई, जो ग्रामीण इलाकों से पेशेंट को एम्बुलेंस तक लाना 3-3-4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, सड़कें नहीं हैं, ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कमजोरी रहती है, कोई भी व्यवस्था रहेगी। देखिए पहाड़ों पर भी अभी गाँव हैं, बस्तियाँ हैं, गांव नहीं होंगे, उनके मोहल्ले टोले होंगे, 10-20 घर होंगे, कोरवा जनजाति हैं, अन्य अति पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा जनजाति हैं, वो ऐसे जगह निवास कर रहे हैं जहां रोड ही नहीं है। तो अगर कोई भी सरकार कहे कि नहीं हमारी एम्बुलेंस तो एक एक नागरिक तक पहुंच रही, तो वो झूठी बात है। ऐसे नागरिकों तक सड़क ही नहीं है तो एम्बुलेंस क्या पहुँचेगी। कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पुल पुलिया नहीं बनी है, तो वहाँ सरकार कहे कि नहीं हम तो एक एक घर तक हम पहुँच जाते हैं, तो झूठ बोलना है, असत्य कथन होता है कि हम एक एक जगह। और कभी कभी क्या होता है कि 2-5% तक पहुंच वैसी नहीं है, 95-98 तक पहुंच है, लेकिन प्रचारित वो 2-5% होता है, उसमें भी बुराई इसलिए मैं नहीं मानता कि ध्यान सरकार का उस तबके के लिए होना चाहिए जो आज भी वंचित है। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में 95-98% फोकस में नहीं आता, वो जो 2-3% को तकलीफ होती है तो सरकार के लिए लक्ष्य हो जाता है कि वहाँ पुलिया बनाइए। हमारा ध्यान नहीं था सरकार का, कोई भी पार्टी की सरकार हो, तभी तो पुलिया आज तक नहीं बनी। नहीं बनी, आज़ादी के 72 साल हो गए, तो कोई ये सरकार वो सरकार की बात नहीं, सरकार जो भी तंत्र में बैठते हैं, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सके तो मीडिया आपका सहयोग कर रही है, इसको आलोचना नहीं लेना चाहिए, इसका सहयोग सहयोगात्मक विश्लेषण उनका ये मानना चाहिए कि आपका ध्यान आकर्षित किया, आपको मालूम था क्या, मेरे को नहीं मालूम था, देखिए मीडिया में आया वहां तक पहुंच जाइए। तंत्र को कहीं कसने की भी कोशिश चल रही बाबा, इसमें क्योंकि आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत लिबरल हैं, आप छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं लोगों को। लिबरल उस नाते कि मैं नाक बंद करना पसंद नहीं करता कि सांस ही नहीं लेने देना है, लेकिन मेरे काम करने का तरीका कि लगातार एक पुश रहता है कि एक लक्ष्य हमने सामने रख लिया, 4 लोग बैठे, विभाग के सीनियर अधिकारी बैठे और अधिकारी या जो भी टीम हमारी है हम बैठे, क्या करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ वही करना, बिल्कुल नहीं, एक निर्णय लीजिए कि ये मेरा विचार है, हमने घोषणा पत्र भी बनाया तो काले सफ़ेद में लिखा। कई बार आपको भी गुस्सा आ जाता है, सामान्य तौर पे आप गुस्सा नहीं करते, लेकिन तब आपको गुस्सा आ जाता है जब बहुत भीषण गर्मी हो और अस्पताल में कूलर ना हो, एसी ना हो। गुस्सा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर ये होता है कि बाबा कहते हैं मैं ही भिजवा देता हूँ, तुम आप जिनको व्यवस्था करनी है वो तो नहीं कर पाए अधिकारी,
हाँ, ये एक तरह से अधिकारियों को और तंत्र को संदेश भी होता है कि देखिए, ये मैं गया और शाम को कूलर या एसी आ गया, तो ठीक है, मैं एक तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को टेंडर नहीं कराना या ये नहीं कराना, लेकिन टेंडर और दूसरी प्रक्रिया एक बहाना नहीं बनना चाहिए सेवा पहुँचने के लिए। तो ये देखिए कैसे शाम तक पहुँच सकता है और अगले दिन उसी दिन शाम को या सुबह लग सकता है उसी सरकारी अस्पताल में या उसी सरकारी। अब तो बाबा ये भी देखा कि आपको, मैंने देखा कई लोग ट्वीट करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं और यथासंभव आप निदान भी कर देते हैं। व्हाट्सएप की सूचनाएं मिलती हैं, ये राजनीति में एक, मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है कि लोग अपनी पीड़ा अपने नेता तक पहुँचाते हैं, उससे मदद मांगते हैं और खुले दिल से नेता भी मदद करते हैं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम लोग की जवाबदारी भी है, हर जनप्रतिनिधि की जवाबदारी भी है और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी मदद कर सके करें। अच्छा, एक नया तरह का कई सारे काम आपने शुरू किए, एक गार्बेज कैफे जी अंबिकापुर में, इसके पीछे क्या क्या सोच था? हम लोगों ने वहाँ की कलेक्टर बीच में पदस्थ हुई थी रितु सेन जी, उनने एक प्रोजेक्ट सामने रखा था SLRM सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, कि इसके प्रबंधन के लिए हम लोग एक योजना बनाए। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैम देखिए, कोई ऐसी चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहूँगा जो आपके जाने के बाद बंद हो जाए, आप हैं तब तक चलेगी, फिर नहीं चलेगी तो पब्लिक का पैसा आता है, चीज़ें बदल और चीज़ बदल जाता है, तो वैसा अगर है तो फिर मेरी रुचि इसमें नहीं है। पर उन्होंने भी एक कमिटमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को लिया और उसको हम लोगों ने भी स्टडी किया, जनप्रतिनिधियों ने भी स्टडी किया, नगर निगम ने भी स्टडी किया और हम लोग को लगा कि नहीं, इनकी पीछे जो इच्छा शक्ति है इसको हम चला सकते हैं। बात ये थी कि आप जाएंगे तो चलेगा कि नहीं, आप हैं तब तक तो आपका पेट प्रोजेक्ट है, ये चल जाएगा आपके बाद। तो जब ये हम लोग को विश्वास लगा कि नहीं, सिस्टम में आ जाएगा और इसको चलाया जा सकता है, तब हम लोगों ने चलाया। उसका एक हिस्सा था उपयोग के बाद की जो वस्तुएं घर में फेंकी जाती थी या नालियों में या किसी खुले जगह में और नगर निगम के सफाई ले जाते थे, उसको बहनों के समूह के माध्यम से घर से कलेक्ट कराना, ये डोर टू डोर डिलीवरी का सिस्टम आज अंबिकापुर में चल रहा है, इंदौर को भी, भोपाल को भी क्लीन सिटी और ये सब के पुरस्कार मिल रहे हैं इसी प्रकार के प्रयोग के लिए। और इसी का एक्सटेंशन कि अभी भी प्लास्टिक अगर आपके पास है, देश ने एक नीति अपनाई कि वन यूज प्लास्टिक का हम बैन करना है, फिर उसमें दिक्कत गई, पहले जागरूकता जागरूकता और फिर जो इकाइयां निर्माण कर रही हैं उनमें जुड़े हुए लोग हैं, उनके रोजगार का भी क्या होगा, कि क्रमवार लाइए हमको लाना पड़ेगा क्योंकि अभी एक समस्या बन आवश्यक हो गया है, नालियां जाम हो जा रही हैं, मवेशियों के पेट में चले जा रहा है, मवेशियों की मृत्यु भी उससे हो, कई प्रकार की चीजें आ जा रही हैं और बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसका दोबारा उपयोग कैसे करना, रिसाइकलिंग कैसे करना। तो ये आपका गार्बेज कैफे उसी का एक स्वरूप है कि प्लास्टिक जो रिसाइकल भी उसके बाद हो सकता है, तो बाकी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल या इस्तेमाल किए गए वस्तु इस्तेमाल के बाद जो बचता है उसमें से प्लास्टिक आप छांट लो, छांट के लेके आप एक किलो अगर लाते हो तो एक भरपेट भोजन आपको नगर निगम देगी। तो नगर निगम का भी दायित्व, नए स्टाफ को लेने में पाबंदियाँ, अपना फाइनेंस विभाग की कमियां, बजट की कमियां, कि नए कंगाली की भी बात आई, सीमा की भी बात आई, तो एक सीमा कि हमारे पास 1,05,000 करोड़ है, अब आप कह रहे हो कि हमको 1,000 और कर्मचारी चाहिए, तो 1,000 कर्मचारी के वेतन 1,05,000 करोड़ के दायरे में नहीं था, तो हम क्या करें। तो एक ये विकल्प, एक विकल्प क्या कि आप ठीक है, हम स्टाफ नहीं लगा पा रहे उसको साफ करने के लिए या लोग इकट्ठा करके लाओगे तो हम आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? अभी तक तो ठीक है, एक नया नयापन है, लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं तब फिर दूसरों को भी इसको उपयोग में लाना चाहिए। अगर ये निरंतर नई शुरुआत है गार्बेज कैफे के, वहाँ आप 1 किलो या कुछ सामान लेके जाते हैं प्लास्टिक का, बदले में आपको भरपेट भोजन मिलता है, आधा किलो में नाश्ता और 1 किलो में भोजन। तो अभी शुरुआत है और कई बार ये शुरुआतें चमत्कारिक होती हैं, तो मुझे लगता है बाबा साहब के इस पर अगर काम होगा तो करना चाहिए, इसके बाद और शहरों में भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर ये अंबिकापुर महीना डेढ़ महीना सबको देख लेना चाहिए, ठीक है, अंबिकापुर इसने पहले चालू कर दिया, अगर वो इसको चला सके, इसको सस्टेन कर सके, निरंतर चलाने की स्थिति, भोजन के लिए पैसे भी लगेंगे, नाश्ते के लिए पैसे भी लगेंगे, निगम अपने सोर्सेज से कर रही है,
अभी तो गवर्नमेंट से नहीं मांगा है, मान लीजिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर देती है अगर बड़ी मात्रा में राशि की आवश्यकता पड़ी, अगर ये चल जाता है और पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक आ रहा है तो फिर जरूर इसका अनुसरण और लोगों को भी करना चाहिए। टी एस सिंहदेव साहब से बातचीत का ये दौर हमारा जारी रहेगा, तमाम सारी जो नई योजनाएं शुरू की हैं और जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है उस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। विभाग बात में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टी एस सिंहदेव साहब हैं। बाबा साहब, आपका लोकप्रिय नाम, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है इस समय उसमें भी उफान आया हुआ है झीरम कांड को लेके, और जैसे जैसे जांच आयोग के सामने चीजें जा रही हैं तो नई नई परतें खुल रही हैं। उसमें झीरम की घटना जब विस्फोट हुआ था उसके 5 मिनट पहले मैं उसी रास्ते से पार निकले थे, और स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे ही उस कार्यक्रम का बतौर प्रभारी मनोनीत किया हुआ था। मैं उनके कार्यक्रमों में जाके थोड़ा सा आगे निकले थे उससे 5 मिनट, वहाँ से सुकमा से साथ में आगे पीछे खाना खाया था, दिन का भोजन किया था, और जैसे मैं स्वागत के लिए उनको रिसीव करने के लिए जाता था हर कार्यक्रम में, तो मैं आगे निकला हुआ था। उस दिन वहाँ एक भी पुलिस का व्यक्ति तैनात नहीं था। अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र दरभा का क्षेत्र, जो कि नक्सली भाषा में लिबरेटेड जोन कहलाता था। बिल्कुल। और एक जाना हुआ लिबरेटेड जोन, अगर आपके पास फोर्स नहीं था उस दिन के लिए तो हम लोग को आपको जाने, दरभा को मौत की घाटी की संज्ञा दी जाती थी दरभा को, और वहाँ से निकलने के पहले ओपनिंग पार्टीज और तमाम सारे उपक्रम किए जाते तब लोग निकल पाते थे, तब जाने दिया जाता था। 2 दिन उसके पहले उसी शासन ने हम लोगों के लिए भरपूर व्यवस्था की थी। आरोपी वगैरह बीजापुर गए थे, चप्पे चप्पे पे, सड़क पे, मोड़ मोड़ पे अर्धसैनिक बल तैनात था। रोड ओपनिंग पार्टी भी साथ थी, जो रोड पे थे 100 मीटर अंदर के लोग दिख रहे थे हम लोग, जैसे यहाँ से बीजापुर के लिए गए थे जिले की बहरमपुर गढ़ में मीटिंग थी, दूसरे दिन बस्तर में जगदलपुर में मीटिंग थी, भरपूर शहर होते हुए भी पूरी व्यवस्था, बकावंड वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र 25-30 किलोमीटर में जगदलपुर से था, कोई जंगल क्षेत्र नहीं था, भरपूर व्यवस्था। तो उसमें हम लोगों की भी भावना यही थी कि शासन को हमने जानकारी दी है। तीसरा दिन का हमारा कार्यक्रम सुकमा का है, वहाँ से आके हम लोगों को मीटिंग करनी है, अगली मीटिंग सुकमा में लेंगे, फिर यहाँ आके तिकोन में वहाँ पर मीटिंग लेनी थी, तो हम लोग वहाँ से निकल आए। और जब गए तो एक पुलिसकर्मी वहाँ पर, तीरथगढ़ फॉल्स का इलाका है, जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है उसका घना इलाका है, फिर दरभा की बस्ती और उसके रोड झीरम घाटी, फिर कोई उस दिन सुरक्षा के इंतजाम, एक व्यक्ति वहाँ तैनात नहीं था। कहीं किसी षड्यंत्र की बू लगती है आपको आज भी, क्योंकि लगातार वो दृश्य आपके सामने घूमते होंगे, रोज वो मंजर सामने आता होगा। मैं स्वयं गाड़ी चला रहा था उस दिन, वाहन चला रहा था जब हम लोग निकले, और जिस ट्रक ने हम लोग के बाकी नेताओं के काफिले को रोका था उस ट्रक को पार हम लोग करते हुए गए थे, ये ट्रक बगल में खड़ा था, और ठीक जब हम लोग की गाड़ी आ रही थी तो ट्रक स्टार्ट हुआ और सामान्य रूप से रोड में आया, ऐसा नहीं कि हम लोग को रोकने के नज़रिए से, और जैसा मेरी आदत है मैं बगल से निकाल के चलता गया, एक तो इलाका भी वैसा था। मैं ये भी बताना चाहूँगा बीच में कि उस समय बाबा का फोन बंद हो गया था और सारे परिवारजनों, बाबा के मित्र और शुभचिंतक बड़े परेशान थे, आपका फोन घंटों बंद रहा था, उसकी वो बैटरी बंद हो गई थी, चार्ज नहीं कर पा रहा था। तो उन परिस्थितियों में मैंने उस ट्रक को देखा, रास्ते में एक महिला सड़क में बैठी हुई थी, उनके लड़के ही एक गाड़ी में थे जो विस्फोट में सबसे पहले मातहत हुए, वो महिला बैठी हुई थी सड़क के बगल में, कुछ दैविक
कुटिया थी, वो लाल लाल किस्म की साड़ी में वो महिला बैठी हुई थी, एक पिकअप रोड के ऊपर खड़ा हुआ था, उसमें से लोग उतर के जा रहे थे, बच्चे और सामान्य ग्रामीण जन, एक मोटरसाइकिल सामने से आ रही थी, एक व्यक्ति मुंह में पट्टी लगाए हुए, आंख एकदम लाल। तो ये दृश्य मैंने जांच आयोग को भी, मैंने स्वयं भी बताया, मैं मेरे को बुलाया नहीं गया, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे बुलाएंगे, बुलाया ही जाएगा क्योंकि मैं नज़दीक से उस कार्यक्रम से जुड़ा था, और ये बात बताने के लिए कि एक भी पुलिसकर्मी दोनों थाने के बीच में तैनात नहीं था। सुकमा के पास थे, बस्तर के जगदलपुर के पास थे, ये जो संवेदनशील इलाका था ये कैसे? अभी एक चश्मदीद ने ये कहा कि इस शरण में कवासी लखमा आपके जो मंत्री हैं, साथी मंत्री हैं, वो शामिल हो सकते हैं जांच में, उनको भी लेना चाहिए। शामिल होने की बात इसलिए से लोग करते रहे हैं कि ध्यान डाइवर्ट करें। आप अगर इसके क्रम को देखेंगे तो जिस दिन घटना हुई, उस घटना के दूसरे दिन एक प्रमुख दैनिक पत्रिका में ये समाचार प्रकाशित हुआ कि नहीं, ये तो इन लोगों ने रूट चेंज कर दिया, इसलिए ये घटना हो गई, यानी हम लोग दूसरे रास्ते से जाने वाले थे और दूसरे रास्ते से गए, इसलिए ये घटना। पहले दिन से ये प्रयास रहा कि किसी तरह से ध्यान बटा दिया जाए। मुझे दुनिया भर में सफाई देनी पड़ी, उसके बाद जहाँ जहाँ मैं अपने रिश्तेदारियों के यहाँ शादी में गया, यहाँ तक कि सोनिया जी के पास जाके मुझे ये बताना पड़ा कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं थी, ये हमारा लिखित प्रोग्राम है, ये हमने DGP कार्यालय से लेके IG वगैरह सबको हम लोगों ने, हम कार्यक्रम जैसे प्रदेश से भेजते हैं, हम लोगों ने भेजा था और उनको मालूम था कि यही हमारा रास्ता है। तो कवासी लखमा जी पे प्रश्न चिन्ह क्यों लग जाता है बार बार आगे? वो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, जो भी उस क्षेत्र में रहता है, कहीं ना कहीं लोगों को ये लग सकता है कि भाई उनके भी संपर्क, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे वहाँ का नागरिक हो, सामान्य रूप से जो लोग ये कहते हैं कि उस क्षेत्र में अगर कोई नहीं चाहेगा, यानी अंदर वाले नहीं चाहेंगे, नक्सली नहीं चाहेंगे, तो आप सामान्य रूप से ना तो विचरण कर सकते, चुनाव उनाव में भाग लेना तो छोड़िए। तो एक तरह से एक दूसरे के प्रति वो भाव रहता है कि आपको छोड़ा हुआ है कि आप अपनी दिनचर्या करो, तो मीडिया वाले उनसे संपर्क में रहते हैं, तो मीडिया वाले नक्सली हो गए। आप देखिए कि सबसे ज्यादा एक्सेस नक्सलियों के पास किसकी है? मीडिया की है। मीडिया की है, क्योंकि उनने उनको अलाउ कर रखा है। तो जिस जिस गतिविधि को वो कहते हैं कि नहीं हम चलने दे रहे हैं, आप साप्ताहिक बाजार में जाते हो तो गोलियां थोड़ी ना चलती हैं, हर साप्ताहिक बाजार में लोग जाते हैं सामान। अच्छा, इस पूरी घटनाक्रम में जब चश्मदीद सामने आए, कवासी लखमा जी का नाम लिया कि इनको जांच में शामिल कीजिए, ये कैसे बच गए, सवाल ये था। अब कवासी लखमा साहब कह रहे हैं कि इस मामले में मेरा भी नार्को टेस्ट हो और रमन सिंह साहब जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि किसी तरह से कवासी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो रमन सिंह जी जो जॉइंट कमांड के प्रमुख होते हैं, जब राज का पुलिस दल और अर्धसैनिक दल सेंट्रल दोनों एक साथ काम करते जब हैं। एक साथ काम करते हैं तो जॉइंट कमांड होता है। जॉइंट कमांड का हेड कौन है? CM है। CM, और CM के पास झीरम घाटी की घटना 25 मई 2013 की, उसके पहले 26-27 दिन पहले से उनके पास कम से कम 27-28 लिखित इनपुट थे। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं कि वहां पर नक्सली हैं, उनका असामान्य मूवमेंट हो रहा है, वो यहां देखे गए, यहां देखे गए, वो जवाब देना चाहिए। अगर ऐसी बात है, आरोप प्रत्यारोप की बात है, मैं उसमें तो नहीं जाना चाहता। असली बात है कि पुलिस तैनात क्यों नहीं थी, किसकी जिम्मेदारी? थानेदार की, DYSP की, SP की, IG की, नक्सल ऑपरेशंस के प्रभावितों की, और आप ऊपर तक ले जाइए, थानेदार से लेके ऊपर तक ले जाइए कि जिस राजनीतिक दल, एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो चुनाव में सत्ताधारी दल का प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप उसके में लगभग सारे नेता मारे जाते हैं, प्रमुख नेता अब एक लाइन से सारे के सारे नेता हताहत हो जाते हैं, वो तो बाद में हताहत। अब मुझे लगता है कि ये शायद देश का दूसरा बड़ा ऐसा हादसा था जिसमें इतने नेताओं की एकमात्र हादसा, इतना बड़ा इंडिविजुअल हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई हादसा नहीं था कि एक साथ इतने नेताओं की मौत हुई हो, नक्सलियों ने उनको मौत के घाट। मेरे मन में मैंने कई बार इसको कहा है, तनिक भी संकोच नहीं है इस बात को कहने का कि ये नक्सली एनकाउंटर नहीं था, ये प्रायोजित घटना था जिसमें हो सकता है कि कुछ नक्सली भी शामिल रहे हों, उनका उपयोग किया गया हो, लेकिन ये जो षड्यंत्र है अभी तक खुल के सामने नहीं आया। इसलिए नहीं आ पा रहा है कि जैसे उस दिन रात को मैं जगदलपुर में अस्पताल में था, आपने परिवार के लोगों का बताया, चिंता कर रहे थे,
मैंने बताया कि मैं अकेला यहाँ रह गया हूँ, पहले वो चिंता कर रहे थे कि आना है क्या, कुछ प्लेन वगैरह भेजे, फिर उनने जब देखा कि नहीं अकेला है, तो कहा कि नहीं ठीक है वहाँ देखो आप, पार्टी की तरफ से कोई नहीं बचा, या तो नदी के इस पार थे या नदी के उस पार रायपुर में रह गए थे, बीच के लोग झीरम घाटी में। तो वहाँ मैंने रात को जाके जब लोगों से बात की जो घायल होकर अस्पताल में एक के बाद एक आते गए, तो जिन जिन ने बताया उनने क्या बताया कि मेरे से ये पूछा कि नंद कुमार पटेल कौन है, नक्सली हमले में कोई व्यक्ति का नाम लेता है, वो तो आते हैं गोली चलाते हैं मारते हैं चले जाते हैं। उन्होंने घटना की कि भाई किसी कारण से हमने काफिले पे हमला कर दिया, नंद कुमार जी को नाम लेके पूछा, उसके बाद जंगल में ले गए। नहीं, जो लोग घायल होके बचे थे कि तुम नंद कुमार पटेल हो क्या, उनसे पूछा, तुम घटना हो गई, नंद कुमार जी को ले गए, वो एक अलग हो गया, लोगों को मालूम या नहीं मालूम, जो लोग गोलीबारी के बाद बचे निकले उनको किसी भी नक्सली ने थप्पड़ तक नहीं मारा, बल्कि पूछा ही होगा, पानी भी पिलाया होगा, दवाई की होगी तो हो सकता है दवाई भी की हो, नक्सलियों ने किसी को हाथ तक नहीं लगाया, उंगली तक नहीं उठाई। उनका सीधा टारगेट कुछ पॉलिटिशियन थे, एक पॉलिटिशियन नंद कुमार पटेल, क्योंकि जितने लोगों ने उस रात को 3-4-5 लोगों ने बताया, जो हो सकता है कि उसमें रहे हो, क्या कहते हैं सफारी, जो भी ड्रेस में थे, कि मेरे बाबा मेरे से भी पूछा कि तुम नंद कुमार पटेल हो क्या, कौन है नंद कुमार। हाँ, ये बात आई थी कि नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा दो लोगों की के लिए, महेंद्र कर्मा का नाम किसी ने नहीं लिया। महेंद्र कर्मा उस काफिले में थे, बल्कि एक व्यक्ति जो उनके गिरफ्त में गए, उन्होंने मुझे बाद में ये बताया कि जो भी वहां पर, उनको तो लिटा दिया गया जमीन पे, मुंह के बल पूरा जमीन पे लिटा दिया गया, और वॉकी टॉकी से बात हो रही थी, और ऐसा उनको एहसास हुआ कि अच्छा वो महेंद्र कर्मा भी इसमें है, तो वो महेंद्र कर्मा भी है, वरना उनको तो सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। महेंद्र कर्मा के साथ ये माना जाता है कि जिस रास्ते से वो जाते थे कभी भी कहीं, उस रास्ते से वापस दोबारा कभी नहीं जाते थे, एक उनका पैटर्न सामान्य रूप से, ऐसे तो कई बार जाते रहे होंगे कि एक रास्ते से गए तो वापस खतरे को भांप लेते थे दूसरे, हाँ, कि कोई सेट पैटर्न नहीं, कि पैटर्न मत बनाओ कि यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, तो सीमित रूप में लोग हैं, एम्बुश करना है तो एम्बुश तो एक ही जगह लगाएंगे, अगला कहाँ जाएंगे तो कहाँ कहाँ एम्बुश लगाएंगे, ऐसा लोग कहते थे। तो महेंद्र कर्मा ने तो अपने आप को अनाउंस किया कि मैं महेंद्र कर्मा हूँ, गोली मत चलाओ, मैं महेंद्र कर्मा हूँ, और वो महेंद्र कर्मा जब अपने आप को अनाउंस करके तो वहाँ गए। बाबू साहब, लगता है कि अब खुलासा हो पाएगा इसका, जो जाँच चल रही है? बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर नहीं होगा, क्योंकि ये तो तय होना चाहिए कि पुलिस क्यों नहीं तैनात थी, आप बाकी किसका हाथ था, किसने बोला कि ये करो, किसने बोला चलिए वो बात की बात, पुलिस क्यों नहीं थी, ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में किसकी जवाबदारी है? आप कहीं पर तो ले जाके बात को टिकाओगे ना, कि ये काफिला जा रहा है, इतने सीनियर जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक भी थे, पूर्व मंत्री भी थे, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, केंद्रीय पूर्व मंत्री भी थे, पूर्व विधायक भी थे, जनपद के भी सदस्य थे, जिला पंचायत के भी सदस्य थे, पार्टी के पदाधिकारी भी थे, ब्लॉक के अध्यक्ष भी थे, महिलाएं भी थी, सुरक्षाकर्मी भी थे जो साथ में थे, तो आपने क्यों वहां पर ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में आरोपी और बाकी फोर्स को तैनात नहीं किया? बाबा साहब से हम बात कर रहे थे और झीरम घाटी को लेकर उनका कहना है कि इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए, कोई एक कहीं षड्यंत्र है, पुलिस का ना होना कई सारे सवाल पैदा करता है। बाबा साहब से हम चर्चा के दौर को जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। विभागवाद में आपका स्वागत है। टीएस सिंहदेव साहब से बातचीत का जो दौर चल रहा है बड़ा गंभीर है, और झीरम घाटी हत्याकांड कहेंगे उसको, सीधा सीधा हत्याएं थी लोगों की, सामूहिक रूप से सामूहिक हत्याकांड था। अब जो चीजें निकल के आ रही हैं, आपको लग रहा है कि इसमें भी राजनीति हो रही है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? राजनीति अपनी जगह है, जो लोग राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं उनकी गतिविधियां ही राजनीति कहलाने लगती है, वो ठीक है, वो अपने जगह जाए,
पर आखिर न्याय की भी तो कोई प्रणाली है। हमारे देश में हमने संविधान में कार्यपालिका का भी गठन किया, हमने विधायकी का भी गठन किया, हमने चौथे स्तंभ के रूप में संविधान में नहीं लिखे हुए होते हुए हमने मीडिया को चौथा स्तंभ माना, और एक स्तंभ हमारी न्यायपालिका है। तो उस पे भी तो, उस प्रक्रिया पे भी तो हमको एक विश्वास रखना होगा कि उसकी प्रक्रिया से भी जो बातें हैं वो सामने, क्योंकि कार्यपालिका तेरह से पाँच साल में तो कुछ भी अब जहाँ थे वहीं खड़े हुए जी। इस बीच में NIA के माध्यम से जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी आप देखेंगे तो षड्यंत्र की बात या पुलिस तैनाती की बात, किसकी जिम्मेदारी, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? किसी भी दल के ऊपर बात ले जाना, NIA ने भी जांच की और फिर कुछ नक्सलियों पे इनाम घोषित कर दिया और इतिश्री हो गई। वो भी नहीं, केवल यहाँ से चावल यहाँ ले गए, वहाँ थे वो, उस आदमी ने उसको चावल पहुँचाया, यानी नक्सली उपस्थित थे, यही बात सामने आई। तो उनके भी जांच के आधार पे अगर नक्सली वहां पर थे तो पुलिस ने उस काफिले को सुरक्षा क्यों नहीं दी, रक्षा क्यों नहीं दी? NIA की रिपोर्ट में इतना तो आ गया ना कि नक्सली वहां पर एक्टिव थे उस समय झीरम में। तो वो बात अगर आ गई तो वो बात तो और उस बात की पुष्टि करती है कि हाँ, ये नक्सलियों की षड्यंत्र था, उसकी पुष्टि हुई है इससे तो कि कुछ ना कुछ बड़ा षड्यंत्र। इनडायरेक्टली डेफिनेटली जो लोग उस नाते देख नहीं रहे हैं, लेकिन NIA ने अगर एक चीज बताया तो क्या बताया, यहाँ उनकी एक्टिविटी थी, यानी मान कर लिया कि वो एक्टिव थे, ऐसा नहीं था कि कोई आ गया और चले गया। अच्छा, आपकी सरकार भी अब रमन सिंह जी पे और उनके परिवार पे खूब शिकंजा कस रही है, ऐसा दिखता है कि किसी को टारगेट करके किया जा रहा है। दुर्भाग्य से आजकल देश की भी और अन्य जगह भी राजनीति में ऐसी ही महसूस होने लग गया है कि पर्सनलाइज्ड अटैक हो रहा है। लेकिन मैं उसको ना तो उस बात में विश्वास रखता, ना मैं सोचता हूँ कि बात वैसी होनी चाहिए। प्रश्न ये आता है कि अगर कुछ मामले दर्ज हैं तो क्या जांच होनी चाहिए कि नहीं। मैं आज के दिन एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर कोई मामला मान लीजिए आज के दिन दर्ज हो गया, कल मैं सत्ता पक्ष का हिस्सा नहीं रहा, तो जांच होनी चाहिए कि नहीं? क्या मैं ये कहूंगा कि नहीं मेरे से अब बदला ले रही है जो सरकार आ गई, मेरी पार्टी की सरकार हार गई तो मेरे से बदला लिया जा रहा है? अगर प्रकरण दर्ज है तो फिर जांच होनी चाहिए, उसमें फिर खेल की भावनाओं में कहना चाहिए कि स्पोर्टिंगली उसको लेना चाहिए कि भाई बात है तो जांच होने दो, कुछ होगा तो आएगा, नहीं होगा तो दोष नान घोटाला या PDS घोटाला हम जो भी कहें जी, उसमें आपको लग रहा है कि तथ्य हैं सारे सरकार के पास? तथ्य होते तब तो कार्रवाई हो जाती, और ये कार्रवाई कब चालू हुई? जब BJP का शासन था, रमन सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही ACB को दिया, फिर आगे कोर्ट में प्रकरण को भेजा, तो प्रकरण तो उसी समय से चल पड़ा था। अब प्रश्न है कि कोर्ट के सामने जो तथ्य गए हैं वो उस पर कोर्ट क्या निर्णय लेती है, और कोई तथ्य है क्या जिसको कोर्ट एडमिट करेगी? अब क्या और कोई तथ्य अगर सामने आते हैं और उसमें एक निर्णय होना चाहिए। एक तथ्य क्या है कि PDS की व्यवस्था टोटल ऑनलाइन व्यवस्था है, कैशलेस व्यवस्था है, तो उस दिन 12 ठिकानों में 3,64,00,000 रुपए नगद कैसे मिले? नान के प्रबंधन से, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधन से, उनके कार्यालयों में जहां समस्त उनका लेन देन ऑनलाइन है, कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो 3,64,00,000 रुपए एक दिन में कैसे मिले? और वो जांच किन्ने करे? रमन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने नहीं करे। उसमें जो फैक्ट सामने आने लगे, उसमें अनेक प्रकार की जानकारियां आने लगी, कोई किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी अधिकारी का नाम, कोई किसी के अधिकारी से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम, जन मैं तो नाम लेने से भी परहेज कर रहा हूं, लेकिन लोग जान रहे हैं कि नाम सामने आए, और उनमें से जो कुछ दस्तावेज रमन सिंह जी के समय जांच एजेंसी ने, मैं ये भी नहीं कहूंगा रमन सिंह जी अलग हो गए, जांच एजेंसी अलग हो गई, जांच एजेंसी ने कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उन दस्तावेजों में कुछ नाम लिखे हुए, ये तो कांग्रेस भाजपा नहीं कहलाना चाहिए। और उन दस्तावेजों में अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो वो फिर बदलापुर या इसकी बात से मुझे लगता है कि अपने को बचाने के लिए फिर प्रयास हो रहा है। वो तो आपके समय के ये एक सामान्य चीज हो गई है कि अगर कोई सत्ता में है, उस सत्ता से जाता है, कोई जांचें चल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, तो सहज कहा जाता है कि हमको फंसाया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है आपसे। तो उसमें मेरा ये मानना है कि दोनों पक्ष को जितना फेयर हो सकता है फेयर उस नाते होना चाहिए कि तथ्य हैं,
सामने आने दीजिए, अगर कोई बात होगी तो फिर कार्रवाई होगी, कोई बात नहीं है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं। और ये प्रकरण कौन से हैं? जोगी जी के जाति का मामला, जोगी जी ने स्वयं थाने में रिपोर्ट लिखवाई, अंतागढ़ टेप का मामला, सॉरी जाति का मामला नहीं, अंतागढ़ टेप का मामला, जोगी जी ने कहा कि फर्जी टेप है और उस समय उन्होंने कहा कि उसका विश्लेषण किया जाए। अब टेप का विश्लेषण ट्रुथ लैब्स में हुआ है कि टेप टेम्पर नहीं हुआ है, ओरिजिनल है। इंदिरा प्रियदर्शनी नागरिक बैंक का घोटाला, वो कोर्ट ने आदेश किया था कि आप नार्को टेस्ट कराइए, वो नार्को टेस्ट की सीडी पहले कहा गया कि फर्जी है, फिर पुलिस ने पिछली सरकार के समय कहा कि नहीं ये सीडी सही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। नागरिक आपूर्ति निगम का मामला, वो तो मामले सामने। अब आपको क्या लगता है, रमन सिंह जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, कवासी लखमा जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, सच्चाई मामले? अगर आम पब्लिक चाहती है या न्याय प्रक्रिया चाहती है या जांच एजेंसी चाहती है तो क्यों नहीं होना चाहिए, करा देना चाहिए। अगर इसी पे शंका कायम हो जाएगी, नहीं मैं कहूँ कि नहीं कवासी का क्यों कराना, अरे देखिए तो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस वाले को बचा रहे हैं, नहीं रमन सिंह जी का नार्को टेस्ट कराए, देखिए देखिए भाजपा वालों को बाबा बोल रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराए, एक क्यों नहीं हम लोग आपस में देश के प्रदेश के नागरिक के नाते एक वातावरण बनाए कि नहीं ये उचित है, ये सबके लिए, कोई कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं, ये बात सामने आई है इसमें ऐसा करना चाहिए, एक जनमत बनाए और वैसा करें। आप जैसी राजनीति तो करते हैं ना, राजनीति ऐसे चलती भी नहीं है ना, पता नहीं यहाँ तक तो लोगों ने साथ साथ मेरे को रखा है, साथ साथ चलाया है। नहीं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप सीधी बात करते हैं, आप विभाग बात करते हैं, जो सच होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, कई बार इसके कई बार सच बोलने के कारण खामियाजे भी भुगतने पड़ते हैं, पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जितना संभव हो जीवन में, मैं प्रश्न ही नहीं उठता है कि शत प्रतिशत ऐसा कर सकते, लेकिन जितना ऐसी भी चर्चा थी आप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, आपने ऐसा कुछ सच बोल दिया था कि लोगों को लगा पता नहीं क्या होगा, तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। नहीं वैसा नहीं था, बात चल रही थी जैसा मैंने बताया पहले भी कि चार लोगों को हम लोग को दिल्ली बुलाया गया था, चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश बघेल जी थे, मैं था, और राहुल जी से भी हम लोग मिले थे, सोनिया जी से भी मिले थे, हम लोग की चर्चा हुई थी, उन्हें कुछ प्रश्न भी पूछे हम लोगों ने, आपने सच डोर में जवाब, आपने सच बोल दिया। सच तो बोलना ही चाहिए, सच बोलना ही चाहिए, और बाद में जो निर्णय हुए वो आपने उसको भी स्वीकार किया, आप पार्टी के निर्णय को बिल्कुल स्वीकार कर। अभी आपको लगता है कि कांग्रेस को और ताकत से अपने लिए पहल जरूर करनी चाहिए, लेकिन पार्टी के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अच्छी बात है कि अपने लिए पहल जरूर करनी चाहिए, पार्टी के निर्णय का सम्मान। कांग्रेस में कैसे ऑक्सीजन डाली जाए, कांग्रेस मृतप्राय है इस समय, आप देखिए ये बात आती है, और मेरा व्यक्तिगत भी जीवन का अनुभव राजनीति की रहा है, मैं राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था, मुझे राजनीति से परहेज था, अभी भी कई बार लगता है कि जैसा आपने बोला कि फिट हूँ कि नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने भी मेरे को दो ही चीज़ कही थी करने के लिए, उसमें से एक था, मैं दुर्भाग्य से दोनों उनकी बात नहीं रख पाया, एक था कि राजनीति में मत आना। वो नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, लोग मुझे अध्यक्ष के रूप में सामने ला रहे थे, तो उनका पत्र आया था, नहीं तो कभी जीवन में उन्होंने मुझे नहीं कहा कि ये करो कि ये मत करो। पर ये दो बातों में से एक बात ये थी, खैर राजनीति में हूँ और जिम्मेदारी निभा सकूँ तो संतोष भी होता है, व्यवस्थाएं हैं जटिल भी होती हैं, उससे आदमी सहमत भी नहीं होता है, लेकिन उसमें बेहतरी के लिए काम करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। सामान्य जीवन में भी आदमी के सामने वही परिस्थितियाँ आती हैं, आदमी की सोच अलग रहती है, आप व्यवसाय में हो, व्यापार में हो, सामान्य जीवन में हो, एनजीओ में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, उद्योगपति हो, आप जज हो कि अधिकारी हो, प्रश्न वही आपके सामने आते हैं। बहरहाल राजनीति में भाग लेने का मौका मिला और अब काम से मैं संतुष्ट। जैसे आपने खूब दम से जन घोषणा पत्र बनाया, ऐसी कांग्रेस के लिए कोई संजीवनी नहीं बना रहे कि पार्टी जो डामाडोल हुई है राहुल जी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद चीज़ें ठीक हों? घोषणा पत्र क्या था, लोगों के पास जाना, और राजनीति में एक ही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है मेरी सोच में और मेरे अनुभव में, कि लोगों के साथ आपका जीवन संपर्क होना चाहिए, आप लोगों से संपर्क में लगातार अगर आप रहिएगा तो चुने हुए प्रजातंत्र के क्षेत्र में आपको अवसर मिलेंगे। बॉटम लाइन, टॉप लाइन, मिडिल लाइन, राजनीति में अगर आपको रहना है, जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में आपको रहना है, तो लोगों से आपको सतत
संपर्क में रहना होगा। और कांग्रेस को या किसी भी दल को, मेरा तो जीवन का अनुभव या मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप अपनी विचारधारा पे कायम रहिए, लेकिन लोगों से संपर्क में आप विचारधारा रखिएगा तो एक जगह रहिएगा। कहीं लगा है कि राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कांग्रेस कहीं लोगों से कटी है? और समीप होना जरूरी है, नहीं तो कैसे आपको चुनाव जैसे प्रक्रिया में वोटों की स्थिति में कमी आएगी? कहीं ना कहीं एक दुराव की स्थिति बनी होगी, कहीं ना कहीं लोगों के परसेप्शन में आप थोड़े पीछे हो गए, कोई दूसरे आगे हो गए, निश्चित रूप से इसको स्वीकार नहीं होगा। और मेरा सलाह तो किसी को भी सार्वजनिक जीवन के लिए, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन के लिए यही है कि कुछ करना है, क्या करना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, एक लोगों से लगातार टच में रहिए। आप बाबा साहब स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार। आप लगातार सुन रहे थे टी एस सिंहदेव साहब को, जो कह रहे थे कि राजनीतिक जीवन में या कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं तो लोगों से सतत जुड़ाव आपको हमेशा आगे ले जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब हमारे साथ फिर कोई एक शख्सियत होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।